तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ एच एंड बी ग्लोबल के नोकिया 9 फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में, जिसके लीक्स और रूमर्स पिछले साल से हम सुन रहे हैं। हालांकि उसमें से कुछ लीक्स और रूमर्स जो स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड थे, डिज़ाइन से रिलेटेड थे, वो हमें नोकिया 8 सिरोको में देखने को मिले। तो यहाँ पर जो है कुछ फाइनल लीक्स जैसी चीज़ें हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ नोकिया 9 के बारे में, और आपको बताने वाला हूँ नोकिया 9 जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च होगा इस साल, होपफुली हो जाए तो यहाँ पर इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि नोकिया 9 में आपको क्या मिलने वाला है। और ये सब चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सभी बेस्ड हैं लीक्स और रूमर्स पर। तो यहाँ पर जो है कोई भी चीज़ यहाँ पर कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली यार सब चीज़ें आपको लगभग इसी में से मिलेंगी। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्ट हैं तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। मेरा नाम है भानु प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। देखिए यहाँ पर जो नोकिया का फ्लैगशिप स्मार्टफोन नोकिया 9, शायद नाम यही होगा, नोकिया 9 ही नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर ये जो फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी होगी वो भी बेहतरीन होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बैक में मिलेगा सिरेमिक डिज़ाइन जो कि आपको मी मिक्स 2 और मी मिक्स 2S में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये लुक्स वाइज जो फ़ोन है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। यहाँ पर आपको पीछे बैक में जो है 18 कैरेट गोल्ड, जो एक्चुअल गोल्ड होता है 18 कैरेट गोल्ड की, आपको यहाँ पर फिनिशिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो नोकिया की प्रीमियमनेस को बढ़ा देगी। तो डेफिनेटली ये लुक्स वाइज तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दिखने वाला है फोन। साथ ही साथ यहाँ पर स्क्रीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्क्रीन आपको देखने को मिलती है 6.01 इंचेस की एमोलेड 18:90 एक्सपेक्ट रेशियो वाली फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि प्रोटेक्टेड है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से। तो यहाँ पर स्क्रीन बहुत ही बेहतरीन है और शायद ये कर्व्ड हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चांसेस नहीं है लीक्स रूमर्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कोई कर्व्ड चीज़ नहीं बताई गई है, लेकिन फिर भी यार नोकिया 8 सिरोको काफ़ी ठीक लग रहा था, लेकिन यहाँ पर 18:90 की एक्सपेक्टेशन नहीं था उसमें। खैर यहाँ पर स्क्रीन है वो काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर स्क्रीन एमोलेड है, यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें इस फोन की परफॉर्मेंस को लेकर, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, यहाँ पर आपको चाहिए प्रोसेसर, यहाँ पर आपके पास बैटरी कैसी होगी, यहाँ पर आपके पास रैम कौन सी होगी, रोम कौन सी होगी, इस बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपको जो फोन है वो आपको डेफिनेटली फ्लैगशिप स्मार्टफोन इन 2018 मस्ट हैव अ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर एंड एज पर द लीक्स यहाँ पर आपको यही प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो प्रोसेसर वो होगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845, साथ ही 8 गीग्स ऑफ LPDDR4 रैम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और 256 GB इंटरनल स्टोरेज होगी। वहीं अगर हम बात करें बैटरी की, तो यहाँ पर बैटरी आपको देखने को मिलेगी 3400 mAh की बैटरी, जो कि होगी वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड। तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम क्विक चार्ज 4.0 का भी सपोर्ट मिलेगा, फास्ट चार्जिंग, और साथ ही साथ USB टाइप सी पोर्ट भी आपको यहाँ इसमें मिलेगा। तो वो डेफिनेटली वो चीज़ तो मिलने ही वाली है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर फ्लैगशिप स्मार्टफोन होते हुए भी यहाँ पर आपको 3.5mm का ऑडियो जैक इसमें देखने को मिलने वाला है। लीक्स और रूमर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3.5mm का ऑडियो जैक इस फोन में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस फोन के सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पर जो फोन है वो रन करेगा एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पर, और डेफिनेटली एज यूजुअल यहाँ पर ये जो फोन होगा वो होगा स्टॉक एंड्रॉयड वाला। और साथ ही साथ इस फोन इज गोइंग टू बी द पार्टिसिपेंट ऑफ एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम, यहाँ पर आपको जो सारे अपडेट्स मिलेंगे एंड्रॉयड को मिलेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आपका अपडेट करने का झंझट भी नहीं रहेगा कि कंपनी कब आपको रोल आउट करेगी अपडेट, यहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ पर आपको अपडेट जो है वो मिलेंगे बहुत ही जल्दी। और ये सब जो स्पेसिफिकेशन थी वो तो आमतौर पर आपको हर एक स्मार्टफोन में, एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस फोन में खास बात क्या है, तो यहाँ पर इस फोन फ्लैगशिप स्मार्टफोन में खास बात ये है कि इसका कैमरा बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि ये एज पर द लीक्स एंड रूमर्स अगर इसका कैमरा ऐसा हुआ तो यहाँ पर ये फोन जो है आपके सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस और Huawei के P20 Pro दोनों को ही बहुत अच्छा कंपटीशन देने वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको वेरिएबल अपर्चर मिलता है जो कि आपको S9 प्लस में देखने को मिलता है, और साथ ही यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक में आपको देखने को मिलेगा इस फोन में, जो कि आपको P20 Pro में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ एक और खास फीचर जिसमें आपको देखने को शायद मिल सकता है, और होपफुली अगर मिला तो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये फ़ोन शायद पहला कमर्शियली अवेलेबल स्मार्टफोन होगा जिसमें कि आपको अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये जो फ़ोन है उसमें शायद आपको अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिले। और यहाँ पर अगर हम बात करें कैमरा की, तो यहाँ पर जो कैमरा है रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें कि जो मेन कैमरा है वो है 41 MP का कैमरा। डेफिनेटली यार इससे इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली, और यही वो मेन कैमरा है जिसमें आपको वेरिएबल अपर्चर मिलेगा। इस फोन में आपको 41 MP का जो सेंसर है उससे आप स्विच कर पाएंगे f/1.5 से f/2.4 के बीच के अपर्चर में, और साथ ही यहाँ पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलेगा, 1.4 micron pixels का 41 MP वाला सेंसर आपको देखने को मिलता है। साथ ही सेकेंडरी कैमरा जो है वो है 20 MP का 20 telephoto लेंस, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता है। साथ ही यहाँ पर 1 micron pixels का आपको साइज देखने को मिलता है, और अपर्चर है वो है f/2.4 का।
और साथ ही साथ तीसरा कैमरा जो आपको बैक में मिलता है वो है एक 9.7 मेगापिक्सल का एक मोनोक्रोम सेंसर। और साथ ही साथ इन कंक्लूजन इन तीनों कैमरा का यूज़ करके यहाँ पर आपको अच्छा पोर्ट्रेट मोड तो डेफिनेटली मिलने ही वाला है रियर कैमरा से। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 4x का हाइब्रिड या फिर ऑप्टिकल जूम जो भी आप कहें, अब वो कंपनी पर डिपेंड करता है क्या उसका नाम रखे, क्योंकि यहाँ पे P20 Pro जो था उसने हाइब्रिड जूम नाम रखा था, तो यहाँ पर नोकिया क्या करती है देखते हैं, लेकिन 4x का ऑप्टिकल जूम शायद आपको इस फोन में देखने को मिले। और साथ ही साथ अगर आप बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पर सेल्फी कैमरा में भी आपको कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्रंट में मिलता है 21 मेगापिक्सल का एक कैमरा जो कि f/1.8 अपर्चर को सपोर्ट करता है। साथ ही यहाँ पर जो साइज़ है वो है 1.4 माइक्रोन पिक्सल का, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो सेल्फीज़ क्लिक होंगी वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होंगी। यहाँ पर अब देखना ये है कि ये सब चीज़ें जो सभी स्पेसिफिकेशंस एज पर लीक्स कितनी ज़्यादा सच होने वाली, क्योंकि यहाँ पर जब लॉन्च होगा तभी पता चलेगा। खैर लीक्स और रूमर्स के अकॉर्डिंग ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है इस फ़ोन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आपको S9 Plus वाला और P20 Pro दोनों के फीचर्स आपको देखने को मिले, जो कि मेन हाईलाइट थी दोनों कैमरा की, दोनों फोन्स की उनका मतलब दोनों चीज़ें आपको शायद इसमें देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली अगर ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती है, आपको क्या लगता है स्मार्टफोन बिकेगा, कितनी इसकी प्राइसिंग होने वाली है, क्योंकि मुझे फिलहाल कोई आइडिया नहीं है कि इसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है इसकी प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए और क्या आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही, यही थे कुछ लीक्स रूमर्स जिसके बेस पर मैंने आपको बताया कि नोकिया 9 में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, और आपकी वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, दबाने से मेरे चैनल सब्सक्राइब होगा, साथ ही साथ बराबर में मिलेगा बेल आइकन जैसे दबाने से हो गई जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, और आप इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे और डेफिनेटली मिस मत किया करें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके की टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। कमाल की वीडियोज़ होती हैं डेफिनेटली यार, अगर पसंद आए तो लाइक करना। बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।